बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फियाज सर। दोस्तों आज एक और ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार के साथ साथ बहुत यूनिक रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो दोस्तों यहाँ हमारे पास 20 सब्ज़ मिर्चें हैं जिसकी हमने जो हेड है वो उतार दी है और इसके अंदर हमने कट्स लगा लेने हैं ताकि चेक कर लें अंदर से पीस साफ़ होने चाहिए। और फिर इसको ऐड कर देंगे तवे के ऊपर और इस पर जाएगा ऑयल 4 टेबल स्पून। इस ऑयल के अंदर हमने इन मिर्चों को पकाना है, यानी कि इसको हम कर लेंगे रोस्ट, और जब तक इनका जो कलर है वो गोल्डन नहीं हो जाता हम इसको रोस्ट करते जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही आसानी के साथ ही हो जाएंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे हम लहसुन के जवे, ये जाएंगे 10 दरमियाने साइज के जवे हैं, अगर देसी लहसुन मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर ढक्कन रख देना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही जो मिर्चें हैं वो सॉफ्ट हो रही हैं और जो लहसुन है वो भी इसके अंदर रोस्ट हो रहा है। तो इस तरह इसको मज़ीद पकाएंगे और फिर इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर को हमने स्लाइस में काट लेना है और ये रेड वाला आपने टमाटर लेना है दरमियाने साइज़ का, तो इसको इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। तो दोस्तों चैनल पर नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं डेली इस तरह की यूनिक रेसिपीज लेकर आता हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद करते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। तो अब हमने इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून, इसके ऊपर ढक्कन रखना है 3 मिनट के लिए मजीद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ 3 मिनट गुजर चुके हैं और अब हमने क्या करना है, हमने इन टमाटरों को मसल देना है ताकि इन टमाटरों के अंदर जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और ये थोड़े से मजीद पक जाएँ। तो इस तरह से हम इसको दबा लेंगे, इनको मसल लेंगे। तो ये देखिए हमने कर लिया है, अब हमने क्या करना है, हमने फ्लेम बंद कर देना है और इसको नीचे उतार लेना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यह हमारे पास चटुवटा है, चटुवटा के अंदर इसको ऐड कर देंगे। आप इसे ग्राइंड ना कीजिएगा, इसे कूट लीजिए, कूट लेने से इसका जो असल टेस्ट है, असल जो मज़ा आता है कूटने के साथ ही आएगा। और जब कूटना है तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको इतना ज़्यादा नहीं कूट देना कि ये बिल्कुल पेस्ट बन जाए, खड़ा खड़ा रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा इसका। और फिर हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर पाउडर मसाले भी ऐड करनी है अभी। तो सबसे पहले जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे जीरा पाउडर, और अब हम इसको कूट लेंगे। सभी चीज़ों को हमने पकाया हुआ है तो इसे आप इजीली 4 से 5 दिन तक फ्रिज में सेव कर सकते हैं। इसे आप बहुत सारे खानों के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है, तीखी बनती है, इसका जो टेस्ट है बहुत ही मज़ा होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दीजिए फियाज अंसारी को इजाज़त, अच्छा कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।